वेलकम टू इकोहॉलिक्स इन दिस वीडियो विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हॉटरीज मॉनिटरी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हमने पढ़ लिया कि बिजनेस साइकिल क्या होता है हमने पढ़ लिया सन्सपोर्थ थ्योरी क्या होता है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉटरीज मॉनिटरी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल तो अकॉर्डिंग टू हॉटरी वॉट अकॉर्डिंग टू हिम बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस कैसे आता है ठीक है तो इट इज़ प्योरली मोनिट्री फमिना अब I say कि it is purely a monetary phenomena, तो अब आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा अचानक से क्लिक किया होगा ना monetary मॉनिटरी से रिलेटेड मनी से रिलेटेड फ्लो ऑफ मनी से रिलेटेड तो फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस साइकिल इज मेनली बिकॉज ऑफ वॉट फैक्टर इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनमी ओके चेंजेस इन द फ्लो ऑफ मनी फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनोमी सो दिस इज वाई देर देर आर फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस साइकिल ओके अब हमने बात किया फ्लो ऑफ मनी का तो फ्लो ऑफ मनी जब हम सोचते हैं तो क्या याद आता है हमको बैंकिंग सेक्टर राइट तो इट इज होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द बैंकिंग सेक्टर एंड उसकी क्रेडिट फैसिलिटी ठीक है लेट्स ड्रॉ अ चेन अ टाइमलाइन एंड अंडरस्टैंड ओके फर्स्ट थिंग बैंकिंग अपना बैंक है बैंक अब ना बैंक हैज रिजर्व ओके लॉट्स ऑफ कैश रिजर्व इट हैज लॉट्स ऑफ कैश रिजर्व अब बैंक ने अपनी क्रेडिट क्रेडिट फैसिलिटी क्रेडिट फैसिलिटी को इंक्रीज किया ठीक है अब वो कैसे इंक्रीज करेगा बैंक्स कैसे क्रेडिट फैसिलिटी इंक्रीज करेंगे मोर लोन्स देके, अब लोन्स कब अट्रैक्टिव होंगे जब उसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम लगता है तो यहां पे हम लोग का इंटरेस्ट रेट है बहुत कम अब जब इंटरेस्ट रेट कम है तो बिजनेस business, बिजनेसेस uh, और जो बिजनेस ओनर्स है ठीक है वो लोग क्या सोचेंगे अभी हम अपना इंटरेस्ट रेट कम है बैंक से हम क्रेडिट ले लेते हैं और बहुत ज्यादा अपनी इन्वेंट्री बढ़ा देते हैं ठीक है टेक्नोलॉजी में चेंज लाते हैं अपग्रेडेशन करते हैं ठीक है अब उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा ना हो वट विल हैपन अब इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन्स बिजनेस को देने के लिए हमारे पास बिजनेस बढ़ जाएगा ठीक है उसकी वजह से क्या होगा प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है ओके योर प्रोडक्शन एक्टिविटी विल इंक्रीज अब प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आउटपुट बढ़ रहा है ना अपना अब आउटपुट अगर बढ़ रहा है तो हमको क्या चाहिए मोर इन्वेस्टमेंट अब मोर इन्वेस्टमेंट हो रही है ना मोर इन्वेस्टमेंट मीनिंग वट डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस बढ़ रहा है अब कौन कौन से होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रन्योर तो अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है नाउ व्हेन योर एम्प्लॉयमेंट राइजेस अब हमारा एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ गया तो इनकम बढ़ रही है ना लोगों के पास नाउ वेन योर इनकम राइजेस जब आपके पास पैसे हैं तो डिमांड यूल डिमांड गुड्स अब पैसे रखे हैं तो यूल डिमांड गुड्स तो डिमांड जो है इकोनॉमी में वो बढ़ गया अब डिमांड बढ़ने से क्या हुआ प्राइजेज जो हैं बढ़ गया अब प्राइजेज अगर बढ़ रहे हैं तो बिजनेसेस का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया अब यहाँ पे सारे एरोज को आप फॉलो करो हम एरोज़ को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या बढ़ रहा है ठीक है यहाँ पे बैंक्स के पास कैश रिजर्व्स थे ओके उन्होंने सोचा कि अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाते हैं क्रेडिट फैसिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं वो लोग मोर लोन्स देके ठीक है अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो गया इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोन्स जो है जो बिजनेसेस को लेने थे वो बढ़ गए अब इसकी वजह से उन उन लोग के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी पर उन्होंने खर्च किया होगा ठीक है उसके बाद इन्वेंट्री खरीदी होगी इन्वेंट्री ले ली होगी उसकी वजह से जो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी है इकोनॉमी में वो बढ़ गया प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या है अपना आउटपुट बढ़ गया अब आउटपुट बढ़ रहा है ठीक है तो इन्वेस्टमेंट भी आया उसमें तो योर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गया अब काम भी तो करना पड़ेगा तो डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी यहाँ बढ़ गया एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया इनकम इज़ हैज़ ऑल्सो रिजन डिमांड हैज़ रिजन प्राइजेज एंड प्रॉफिट अब दिस लुक्स लाइक अ फेरी टेल And it is, this is known as your expansionary phase. Remember the, about the expansionary phase, jahan pe employment, output, prices, sari cheeze badi hui thi So that is known as your expansionary phase. But हमने क्या देखा था जब expansion आता है, ठीक है? When expansion is there, उसके बाद peak के peak पे पहुँचने के बाद, उसके पास क्या रहता है? Nothing but to fall, right? तो अभी हम लोग ने एक्सपेंशन तक का स्टोरी पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे कि क्योंकि हमेशा एक्सपेंशन में फेज में नहीं रहता बिजनेस साइकिल उसके बाद उसको इट हैज़ टू फॉल राइट अब यहाँ पे यहाँ तक हम लोग की स्टोरी क्या थी कि प्रॉफिट बढ़ रहा है प्राइजेस बढ़ रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अब हम देखते हैं कि क्या हुआ अब हमने कहाँ तक देखा था एक्सपेंशन तक देखा था अब अपने प्राइजेस वहाँ पर बढ़े हुए थे ऑल्सो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ था अब बाकी बिजनेस ओनर्स ने देखा कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो लोग भी घुस गए ठीक है टू टेक क्रेडिट अब लेकिन बैंक्स के पास एकदम बहुत ही सारा रिजर्व्स तो था नहीं ना जब था तो उन्होंने अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाना चाहा अब यहाँ पे धीरे धीरे बैंक के पास भी जो उनके रिजर्व्स थे रिजर्व्स वो कम हो गए अब बैंक्स के पास रिजर्व्स कम हो गए तो क्या हो गया उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया ठीक है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया तो इवेंचुअली यहाँ पे बिजनेस ओनर्स ने उनकी मतलब क्रेडिट वहाँ पे कम हो गया ठीक है क्रेडिट कम हो गया मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो गया अब इन्वेस्टमेंट अगर कम हो गया तो हमारी साइकिल वैसे ही चली इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो गया ठीक है डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया अब इसके कम होने से क्या हुआ एम्प्लॉयमेंट कम हो गई इनकम कम हो गई इनकम कम होने के बाद इकोनॉमी में डिमांड जो थी योर डिमांड वो भी कम हो गई ठीक है अब डिमांड कम हो गई तो अब यहाँ पे देखो यू हैव टू फॉलो द डाउनवर्ड एरो यहाँ पे हम डाउनवर्ड एरो को फॉलो कर फॉलो करते हैं यहाँ पे बैंक्स के पास रिजर्व्स कम है क्रेडिट कम इन्वेस्टमेंट कम ठीक है डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये कम एम्प्लॉयमेंट कम इनकम कम उसके बाद डिमांड इन द इकोनॉमी भी फॉल हो गया सो यू सी ये वाला कौन सा फेज है अपना ये अपन जा रहे हैं रिसेशन में ओके सो दिस इज वट बेसिकली हॉट्रेज मॉनिटरी थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल टॉक्स अबाउट ओके एंड ही ऑल्सो सीज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो अकॉर्डिंग टू हिम जो फैमाइंस फ्लड्स और नेचुरल क्लामिटीज थे ठीक है दे डू नॉट दे आर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस साइकिल टू सम एक्सटेंट मतलब पार्शली वो हाँ उनका कोई रोल होता है बट जब हम जनरल फ्लक्चुएशंस की बात करें तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पर जो फ्लड फैमिन वॉर है उनकी वजह से सिर्फ पार्शियली अफेक्ट होता है अपना बिजनेस साइकिल बट इट इज द मोनिटरी मॉनिटरी फिनोमिना ओके द फ्लो ऑफ मनी इज द थिंग विच गवर्नस दिच बेसिकली बिकॉज ऑफ विच द फ्लक्चुएशन हैपन ओके आई होप द थियोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द चेन ओके रिजर्व ज्यादा थे बैंक ने दिया उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ा उसके बाद प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ी यू और जस्ट मेमोराइज द चेन You need to understand you'll perfectly, you are good to go, okay, if you memorize the chain. And I hope this theory is clear to all of you. And this was all about the Hot Race theory, Monetary Theory of Business Cycle. And if you haven't watched the Business Cycle Wala video, do click on the I button and check that video out. I'll see you next time with another such interesting concept. Till then, please like, share, comment, and subscribe to our channel Ecoholics. Thank you.